Hello everyone, I'm Dr. Jasleen Arora, consultant neonatologist and pediatrician at Amandeep Medicity Hospital, Amritsar. Today, I'll be talking about how to differentiate between common cold and flu. Common cold is a seasonal illness that generally occurs in winter seasons and causes lots of distress and, you know, anxiety in parents and less so in kids per se. कॉमन कोल्ड होता क्यों है और इसे कैसे फ्लू से डिफरेंशिएट करेंगे, आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉमन कोल्ड, मोर देन 200 वायरसेस आर नोन टू कॉज कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स। मेनी वायरसेस फ्रॉम फैमिली लाइक राइनो वायरसेस, आरएसवी वायरसेस, एंटेरो वायरसेस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस, मेटोनिमो वायरसेस एंड अ लॉट मोर कैन कॉज कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स। कॉमन कोल्ड में जनरली ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होता है और जनरली ये अपर एयरवे को इन्वॉल्व करते हैं। बच्चों में स्टफी नोज, रनी नोज, स्नीजिंग, माइल्ड ग्रेड फीवर, माइल्ड बॉडी एक्स, ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। जबकि फ्लू जनरली हैज अ वेरी सडन ऑनसेट, मोर ऑफ फीवर एंड मोर लेथार्जी दैट इट विल कॉज, बट देयर विल लेस ऑफ द अपर एयरवे सिम्टम्स। कॉमन कोल्ड जनरली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं and are not very serious as compared to influenza. 80% of the patients bina kisi dawai ke, bina kisi treatment ke almost 10 days mein theek ho jate hain and 90% or more are better by 15 days. Agar aap koi bhi medication nahi denge to aapke bacche ka cold apne aap se hi 15 din mein chala jayega. Par as parents hame to worry hoti hai, kya kare fir hum bacche ke liye जब हमें बच्चे को कोल्ड होता है। सबसे पहले तो बच्चे को वार्म रखिए, वार्म वाटर दीजिए और अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज मेकिंग सूप्स, गिविंग देम वार्म मिल्क और जो हमारे होम रेमेडीज होते हैं जो हम कॉमन कोल्ड में यूज़ कर सकते हैं बच्चे के सिम्टम प्रिवेंशन के लिए। फीवर के लिए हम पैरासीटामोल दे सकते हैं, ज़्यादा बॉडी एक्स हो तो हम आइबुप्रोफेन भी यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स का कॉमन कोल्ड में कोई खास रोल नहीं है, जबकि इन्फ्लुएंजा में अगर हम डायग्नोस करके एंटीवायरल्स विद इन टू डेज स्टार्ट करें तो सिम्टम ड्यूरेशन कम हो सकता है। बट कॉमन कोल्ड, नो सिग्निफिकेंट रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स। उसके अलावा मेक श्योर दैट योर बेबी इज हैविंग हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, बेबी इज गार्गलिंग रेगुलरली और स्टीम इनहेलेशन आप बच्चे को दे सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन अगर आप बहुत ही ध्यान से दे सकते हैं तो ही दीजिए, अदरवाइज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। स्टीम देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रूम को क्लोज कर दीजिए सारी तरफ से, विंडोज डोर्स लॉक्ड हो और आप स्टीमर ऑन करके रख सकते हैं सो दैट द एयर इज ह्यूमिडिफाइड एंड मिस्टिफाइड, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी कैरिज कम हो जाए। उसके अलावा आप सेलाइन नेजल ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव द ह्यूमिडिफिकेशन इन द नोज। Other medications that can be given are some antihistaminics which can be tried and may help your baby, but there is no definitive role of them. Multivitamins, multiminerals per se, agar aapka bachcha healthy hai aur anemic nahi hai to aapko dene ki zarurat nahi hai. The only nutrient that can help is your zinc supplementation and vitamin D supplementation, jo common cold ke duration ko aur carriage ko kam kar sakta hai. एक और भी बहुत मिसकंसेप्शन है पेरेंट्स के दिमाग में कि अगर हम कोल्ड को एक्सपोज रहेंगे ज़्यादा देर तक तो हमारे बच्चे को कोल्ड हो जाएगा। एक्चुअल देर इज़ नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू कोल्ड वेदर एंड कैचिंग ऑफ कोल्ड। होता क्या है कि जो ये सारे वायरसेस हैं दे आर मोर एबल टू थ्राइव जब विंटर्स रहती हैं। उसके अलावा विंटर सीजन में ह्यूमिडिफिकेशन कम रहती है और हमारी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे ये वायरसेस ईजिली कैच करके सिम्टम्स मैनिफेस्ट करते हैं। इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज एंड जनरली कॉजेज नो डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस अदर देन इन किड्स हु आर वेरी यंग और वेरी ओल्ड। सो नो दिस डिफरेंसेस टू बी श्योर वेदर यू नीड टू कंसल्ट योर मेडिकल स्पेशलिस्ट इमिजिएटली और मे बी यू कैन वेट। थैंक यू एंड टेक केयर।